पैदल पार कर रही है। ओ यहाँ देखो कितना भयंकर, ये देखो सेजल को क्या कर रही भाई ऊपर छत पर बैठकर। हाँ भाई क्या कर रहे हो? अरे मस्ती मार रहे हो आप हैं बहुत। तो सेजल ले रही है पानी के मजे गाइस। ये देखो पानी, देखो कितना अच्छा साफ पानी है बिल्कुल ये। और ये ऊपर ब्रिज जा रहा है जो कि एयरपोर्ट से लिंक है रोड, ये वाली तो नीचे पानी है। तो यहाँ पर आ रखी है सेजल, तो सेजल अभी कर रही है मस्ती यहाँ पर फुल। तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है सेजल की मस्ती के ऊपर। तो ये देखो सेजल ऊपर चढ़कर क्या हुआ? पापा जब मैं बड़े हो जाऊंगी ना तो मैं गहरे पानी में खड़े होंगे। अच्छा आप जब बड़े हो जाओगे तो गहरे पानी में खड़े होंगे, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको सेजल यहाँ पर आके? क्या हुआ? तो गाइस ये देख लो आप, पानी कितना साफ है यार ये पानी। मतलब अगर आप लोग भी आना चाहते हो ना, कोई लोकल हो देहरादून रायपुर से पुल के, अगर बच्चों को अगर आप लोगों को यहाँ पर लाना है तो आप ला सकते हो। ये थानो वाली रोड है रायपुर से जो आती है सीधा थानो के लिए रायपुर से, तो उसके नीचे है ये। ये देखो आप, तो साफ पानी है, मतलब कोई गंदा वंदा पानी नहीं। ऊपर पहाड़ है, आपको सामने दिख रहा होगा पूरा पहाड़ है गाइस। और उधर टैंक बना हुआ है मत्स्य विभाग खनन का, वो ऊपर लिख भी रखा हुआ ऊपर। देखो मैं आपको अगर जूम करके दिखा दूँ, मत्स्य भवन धनियाड़ी। सेजल तो ऊपर चढ़ रही है छत पे, और मैं आपको ना आगे दिखाता हूँ पानी कितना गहरा है। और मैंने पहनी है चप्पल, देखो चप्पल, ये देख रहे हो आप चप्पल देख। अबे यार दिख नहीं पा रही क्या चप्पल? ये देखो चप्पल है ये, और चप्पल पहना जाए डर भी लग रहा है। और मैं ट्राईपोड नहीं लेके आया हूँ, मैं ऐसे आया था यहाँ पर थोड़ा सा सेजल को घुमाने के लिए। तो अभी मैं बीच पर खड़ा हो गया, देखो बीच पर आ गया हूँ, काफ़ी बीच पर आ गया हूँ। ये देखो मतलब बंदा बहेगा नहीं, इतना पानी है अभी फिलहाल। बरसात में जो है ना, जब तेज़ बारिश होती है तब थोड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पहले ये पुल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब पुल बन गया। अब पुल बनने से कि काफ़ी बढ़िया हो गया। अबे सेजल ये क्या हो गया तुम? अबे तुम्हारा तो इतना वेट पिचका दिया तुमने तो यार गाड़ी। ये देखो गाइस सेजल ने देखो कार पिचका दी, ये देखो आप देख रहे हो सेजल ने पिचका दी कार खड़े होकर। और सेजल कुछ कह रही है, पता नहीं क्या कह रही है। क्या होता है उसका मतलब? पंछी। पंछी को बोल रहे हो आप? ओहो पंछी को बोल रही गाइस कुछ और। ये तो गाइस ये है हमारा यूट्यूब चैनल दून बॉय। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर जाके हमें फॉलो कर दो, हमारे रील्स बनते हैं। और सेजल चिल्लाने पे लगी हुई है। वेदर देखो यहाँ कितना मस्त है वेदर, देखो सामने जूम करके आपको दिखाऊँ मैं। ये देखो पूरे पहाड़ में। यस क्या कह रहे हैं वहाँ तक? आपकी आवाज़ तो पूरी उसमें गूंज रही है, आप इतने देर से चिल्ला रहे हो। और गाइस पानी है तो फ़ायदा उठा ले थोड़ा सा। तो हम लेके आ रखे थे बाल्टी गाड़ी धोने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी दिन बाद हमने निकाली ये वाली गाड़ी, तो बाल्टी भी लेके आ रखे हम। तो सोच रहे हम बाल्टी से जो है ना कार में थोड़ा थोड़ा पानी मारते, हल्का फुल्का जो है कीचड़ हो रखा है। तो बाल्टी में आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये देखो हमारी बाल्टी, ये देखो बाल्टी भी कुछ अपने से बड़ी बाल्टी लेके आ रखे हम लोग, ये है बाल्टी। तो गाइस गाड़ी में मैंने पानी मार दिया, कपड़ा मार दिया, काफ़ी साफ हो गई गाड़ी। तो ये देखो साफ क्लीन है, चमक गई गाड़ी। और सेजल भी उतर गई नीचे की तरफ। भैया चप्पल हाथ में लेके देखो पार कर रहे हैं नदी। और देखो बहगी भाई चप्पल बह गई। वो देखो ट्रक, कितना बड़ा ट्रक आ गया देखो धुलने के लिए यहाँ पर। भाई ने भी गाड़ी फुल मजे ले रहा है भाई भी पानी के साथ। वो देखो सामने देखो ट्रक धो रहे हैं भाई साहब, चमका रहे हैं। सबकी रोजी रोटी होती है अपनी अपनी, तो इसलिए क्लीन कर रहे हैं। सेजल को देखो कहते डर के मारे पीछे चढ़ गए गोद में, और भाई मैंने हाथ में ले रखा है भैया फ़ोन भी। और भाई ओए छोड़ दो, छोड़ दो उसका, छोड़ दो सेजल। और सेजल देखो सेजल पार कर रही है। ओ यहाँ देखो कितना भयंकर ये ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ पीछे। ओ कहाँ पर जाओगे? हम साइड पर चले गए क्या? छोड़ दो नीचे छोड़ दो। क्यों? पानी है ज़्यादा भैया। और हमने पार कर दी भाई नदी पूरी। पानी में जाना है बोला था। कौन से पानी में? कहाँ? इस पानी में, छोटे पानी में आओ। तो गाइस वो देखो कुत्ता भी मस्ती मार रहा है भैया मस्त। वो देखो ना रहा है डॉगी, ये मजा आ गया, मज़ा आ गया भैया। वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके यूट्यूब में डालूँगा शाम को। ब्लॉग बन रहा है आपका ब्लॉग। अरे काटा तो नहीं भैया? फिर भी डर लगता है ना आपका, है ना? कहाँ रहते हो आप? अच्छा हम भी आगे रहते हैं भोपाल पानी में। डॉगी मज़ा आ रहा है?
ये सेजल है, पीछे जो मेरे सेजल है। तो गाइस सेजल पहुंच गए वहां जहां सेजल कह रही थी आने के लिए। तो सेजल आपकी डिमांड का यहीं पे थी, तो सेजल की डिमांड पूरी हो गई। यहां पे चल रहा है नीचे पानी, यहां गाड़ी ले जाने का है नहीं शायद, है या है नहीं। तो गाइस देखो वहां से कार ले जा तो सकते लेकिन थोड़ा सी हैवी गाड़ी चाहिए होगी, थार वगैरह चल जाएगी। क्योंकि वो पीछे देखो ना वो है ना मलवा है, यहाँ से भी जा सकते हैं। पानी है इसको नीचे, इसको बोलते रेड खाला, कुछ भाई लोग नीचे मस्ती कर रहे हैं। और उधर पे देखो गाड़ी खड़ी हुई है, तो रोड ठीक ठाक मतलब कम है, मतलब चौड़ी इतनी खास नहीं, मतलब दो गाड़ियाँ गाड़ी पास हो जाएगी। और हमने सॉरी गलती हमसे थोड़ी सी है कि हमने गाड़ी लगा रखी है रोड पे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके बाद हम चले जाएंगे। और ये देखो पूरा व्यू यहाँ का भी, तो वहाँ पर कुछ पार्टी चल रही है कार में और सेजल आ रही है। ओ आते जाओ, और ये सेजल के देखो कदमे देखो धीरे धीरे बढ़ते हुए। आपकी चप्पल नहीं भाई वहाँ पर, उसकी तो चप्पल बह गई थी, कैसे बह गई थी देखा था आपने चप्पल। हाँ गाइस यहाँ आने का यही मजा है, इस रूट में जो ना घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब व्यू वगैरह बहुत अच्छा मिल जाता है। कल कल नहीं आए थे हम, काफ़ी दिन बाद आए बेटा मेरा बच्चा। तो सेजल को यहीं पे अच्छा लगता है, मुझको भी इधर ही अच्छा लगता है, तो हम लोग ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए थे। तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए। ये देखो पापा का प्याल। अच्छा तो शान भी अभी छोटी है, कुछ टाइम बाद शान भी बड़ी हो जाएगी, शान भी और हम भी घुमा करेंगे गाइस। तो मज़ा आता है भाई इधर एरिया में, आप लोग भी आना जरूर घूमने थानो एयरपोर्ट वाली रोड पे, मज़ेदार मस्त रोड एकदम, फोटो शूट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बैठ जाए, बैठ गए आप जी। ठीक है अब कहाँ चले बताओ आप? झूलेवाल रेस्टोरेंट में, उसमें झूलूंगे ऐसे आ जाओ। ठीक है झूलेवाल रेस्टोरेंट में। तो गाइस सेजल कह रही है झूले वाले रेस्टोरेंट में, तो बैठ गए भैया, हम तो सेजल के ड्राइवर हैं, तो सेजल को ले चलते हैं भैया फटाफट से इसके झूले वाले रेस्टोरेंट में। तो गाइस एंट्री हो गई भाई झूले वाले रेस्टोरेंट में सेजल के, जहाँ हम आते ही हैं लगातार। तो आप भी देख लो इन्होंने थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी सीटिंग की, और ये सेजल बैठेगी भैया इसमें। सेजल आके देखो पजामे में, घर के पजामे में पहुँच गई सेजल। जुलाऊ 1 2 3 ये। तो थोड़ी देर सेजल यहाँ पर इंजॉय करेगी, फिलहाल आज हमने खाना कुछ है नहीं यहाँ पर, घर जाकर ही खाएंगे। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है। चंदा मामा भी आ गए, चंदा मामा आगे कह रही सेजल, वो ऊपर है चंदा मामा सेजल का। मैं भी झूलने गया हूँ, ये देखो मुझे आया थे चक्कर ज़्यादा झूलने से, झूल रहा हूँ आज तो आपके साथ। ये देखो आज तो भैया सेजल के साथ मैं भी झूल रहा हूँ झूला। आप कितना तेज झुलाना, सेजल कह रही ज़्यादा तेज झुलाओ। कैसे झुलाऊँ तेज? तेज नहीं बेटा, कमी झूलो, वरना मेरे को चक्कर आ जाएगा, फिर गाड़ी कौन चलाएगा। ये है ना गाइस, ये है हमारी रितु बांजी, जो कि देखो कलाकार है, बहुत तगड़ी मोमो देखो यहाँ देखो। बन गया, कितना बनाया? ये कुकर में है। चलो बढ़िया, बनाओ हम खाएंगे। ठीक है कितने होंगे, 1 2 3? अच्छा उसमें ही भरा हुआ। तो गाइस इन्होंने तो इसमें भी भरा हुआ भाई, ये देखो कुकर पूरा भर के रखा हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ पर ये देखो छुटकी रानी छानवी खेल रही है अपनी दादी के साथ। हम तो घूम के भी आ गए, आपको हम ले गए नहीं। ठीक है आप मोमो खाओगे ओके? तो गाइस ये आ गए हैं मोमो मेरे लिए, लौकी के मोमो। तो थोड़े से मोमो के जो साइज है ना इन्होंने देखो कितने छोटे छोटे बनाए हैं, तो आज मैंने नहीं बनाए भाई मोमो, वरना मेरे साइज जो है मोमो थोड़े से बड़े बनाता हूँ मैं, तो आज बहन लोगों ने बनाया है। तो चटनी और मोमो है तो उसको खाते हैं भैया। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आज का व्लॉग बस यही था, तो वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज कमेंट करके बताना, और हमारे दून बॉय चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपको जब भी मैं वीडियोस डालूं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।